अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका? तो ये भी टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो अभी आके मैंने लाइट्स वगैरह चलाई हैं, बाकी आया था मैं ऊपर इनको बर्ड्स को देखने के लिए, क्योंकि ये सारी रात के ही फेर रहे हैं। रात मैंने खोले थे खड़ाक वगैरह डालने के लिए, उसके बाद मैंने इनको बंद ही नहीं किया। और जो अपने ये परिंदे हैं इनकी मैं खुराक सुबह की पूरी कर गया था। बाकी ये था कि आज सुबह से मैं थोड़ा सा मसरूफ कहीं गया हुआ था, बाहर काम था, तो उस वजह से ना सारा दिन इस तरह बाहर गुजर गया, तो व्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं हुआ। बाकी ये जो एयर कूलर है ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आके बंद किया है, तो मैंने कहा रात को थोड़ा टेम्परेचर सेट हो जाता है, क्योंकि अगर अभी से हम ये चलाना शुरू कर देंगे ना तो आगे फिर गर्मी में जाके बर्ड्स भी मुश्किल में आएंगे। बाकी मैंने इसको यहाँ से कवर करना था, तो वो जो कपड़ा था ना वो वॉश होने वाला है, आज हो रहा था, तो बस मेरे कामों में बाहर निकल गए, वो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वो भी वॉश करवाना था, तो अब कल तक वो वॉश हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे ला कर लगा देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो अपनी ह्यूमिडिटी है वो सेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हो जाती है हवा की क्रॉसिंग सीधी बाहर, उस वजह से कूलिंग अंदर रुक ही नहीं रही है। तो कूलिंग ना रुकने की वजह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए इसकी सेटिंग वगैरह कल तक हम कर लेंगे। टाइम हो चुका है 10:30 बजे का, तो मैं ज़रा गया हुआ था बाहर ज़रा शादी थी नेबर्स में, तो उधर गया हुआ था, तो वापस आया हूँ, तो मैंने कहा चलो आके ना परिंदों को डाल देते हैं खुराक। मुर्गों को मैंने अभी बंद की है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कितनी देर मैंने इन चूज़ों को ग्रोथ वाली फीड डालनी है, तो जब इनको फीड डाल लेंगे ये खा लेंगे, उसके बाद फिर हम मुर्गों को भी निकाल लेंगे, क्योंकि फिर ये लड़ते हैं आपस में खाते हुए, तो उन्होंने इसको इनको खाने नहीं देना। तो सबसे पहले तो मैं अपने इन परिंदों को डालूंगा ऊपर वालों को, तो उसके बाद फिर मैं इनको डालूंगा, या फिर मैं इनको पहले एक बार डाल दूंगा, उससे फिर ये है कि एक तरफ ये मसरूफ़ हो जाएंगे, मसरूफ़ होने से फिर मुझे ये तंग नहीं करेंगे। तो अभी एक बार मैं इनको खुराक वगैरह डाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो जी खुराक वगैरह सब बर्ड्स को मैंने डाल दिया है, इनको भी डाल दिया है, और इनको भी मुर्गों को चूज़ों को पहले डाल के उसके बाद मुर्गों को डाल दी थी। और ये देखें ये किस तरह लड़के पागल हुए हैं, पहले जो मैंने खोले हैं उसे तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, अभी इनको पता लग गया कि इन्होंने हमें नहीं खाने देना, इसलिए ये साइड पर चले गए हैं। अभी भी ये जब ये इधर को आएंगे खाना खाने के लिए तो ये सारे इनको मारना शुरू कर देते हैं, उसी वजह से मैं इनको पहले डाल देता हूँ, उसके बाद फिर वैसे फिरते में कोई मसला नहीं है, लेकिन खाने के पीछे ये एक दूसरे को बहुत मारते हैं। तो अभी ये एक बार मैं नीचे चलता हूँ, ये खाना वगैरह खा लें, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, तब आकर लाइट्स वगैरह बंद करके फिर इनको बंद कर देंगे। बल्कि बंद क्या करना, फिर फिरते रहें, रात भी फिरते रहते, वैसे भी फिरते रहें, क्योंकि इनके कोई सबको इतना ज़्यादा मसला है, फिर अच्छी बात है फिरते रहेंगे। ये भी है कि इनकी भी वाक होती रहेगी और इनको भी होती रहेगी। तो जो भी टाइम हो चुका है 12 बजे का, 12 बज चुके हैं, रात हो चुकी है, तो अभी ये है कि मैं लाइट्स वगैरह बंद करूंगा, और मुर्गे जो हैं ये तो अपनी मर्ज़ी से, अगर अंदर जाना अंदर चले जाएंगे, चूज़ों ने तो फिरना ही बाहर है, तो लाइट्स वगैरह बंद करके, ये तो मेरी पहले ही चल रही है, तो इसको चलता छोड़ के चले जाएंगे हम वापस नीचे। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।